Yes. Mr. Mehra on phone, sir. Yes, uncle. कितने फोन किए हैं मैंने तुम्हें? कहाँ चले गए थे? जरा मिल्स का चक्कर लगाने चला गया था। अभी अभी आया हूँ। सुनो, घर चले आओ फौरन। फौरन? लेकिन ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। मैं कहता हूँ छोड़ दो सब। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा अंकल। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? कुमार मेरी बेटी रानी को देखेगा नहीं? क्या जरूरत है गोपाल दास, ये देखना दिखाना मोहब्बत वोहब्बत सब फालतू बातें। मर्द और औरत के दरमियान विश्वास, फेथ का होना सबसे जरूरी चीज है। आप ठीक कहते हैं मेरा साहब, पर हमारे दिन तो लद गए। कुमार आजकल के फैशन का लड़का है। होगा, लेकिन आप कुमार और मेरे रिश्ते को नहीं जानते। मैंने कुमार को अपने बच्चे की तरह पाला है। कुमार का बाप और मैं जिगरी दोस्त थे। यूं खाना इकट्ठा, पीना इकट्ठा, सब कुछ इकट्ठा। आपकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई? हाँ, थी एक बच्ची 2-3 बरस की, जिसे मैं अपनी पत्नी के पास उसके मैके छोड़कर अफ्रीका चला गया। वहां मेरे कारोबार का सितारा चमका, यहां मेरी किस्मत का सूरज डूब गया। बंटवारे के फसादों में मेरे ससुराल के सब लोग, मैं भी बच्चों के मारे गए। आओ कुमार, आओ, मिलो। आप ही हैं गोपाल दास? नमस्ते। नमस्ते। हिंदुस्तान के कॉटन किंग, चेंज ऑफ मिल के मालिक। बस बस, पेपर मिल कायम करने के सब इंतजाम मुकम्मल हो गए अंकल। खुशी की खबर यह है कि गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट को छोड़ो, मैं तुम्हें एक और खुशी खबर सुनाना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट से भी बड़ी है। गोपाल दास अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सर झुकाकर मान लो। जी अंकल, लेकिन देखो, अब शर्माओ नहीं लड़कियों की तरह। एक ना एक दिन तो हर किसी का ब्याह होता ही है। आप मेरे पिता समान हैं अंकल। आपने मुझे, आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं, मुझे है ना। तो बात पक्की हो गई। लगन वगैरह की बात हम बाद में तय कर लेंगे। अच्छा तो मेरा साहब, मैं चलता हूँ, क्लब में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे डिनर के लिए। आइए। अच्छा गोपाल दास। अंकल, बगैर लड़की देखे ही? कोई जरूरत नहीं। क्या मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं? एक बात समझ लो, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ नहीं। तुम गोपाल दास को नहीं जानते। ये घर और वो घर शादी के रिश्ते में बंध जाए तो एक एम्पायर कायम हो सकती है। हम आधे हिंदुस्तान के मालिक हो सकते हैं। हाँ अंकल, मगर थोड़ी जगह हिंदुस्तान के बाकी लोगों के। तुम बिजनेस का कानून नहीं जानते। जियो न जीने दो, समझे? अच्छा, मैंने सोचा है खुद ही वहां जाकर मिल का सौदा करूं, और ये किसी से ना कहूं कि मैं इतने बड़े इंडस्ट्रियल का मैनेजर हूं, वरना जमीन का भाव एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, पिछले दिनों से तुमने दिन रात एक कर रखा है, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। ओ हो हो निकाल दी। अब क्या होगा? क्या होगा? भागो। हेलो नीना। हेलो प्यारे। हेलो। आप मुझे छोड़ के चली गई? मत भूलिए मैं आपका हिल गाइड हूँ। हाँ लेकिन हिल गाइड को हिलना तो चाहिए, आप तो कछुए की रफ्तार से चलते हैं। ये लीजिए। ओह मुझे पैसे मत दीजिए। ले लो ना। ओह मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप। ओह बाय बाय। ओके बाय बाय। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। देखते कहीं हो, चलाते कहीं हो। सॉरी मैडम। इस गाड़ी का नुकसान तुम्हारा बाप भरेगा। आई से होल्ड योर टंग। ओह यू, इसे मत छोड़ना, सीधे पुलिस स्टेशन लेके जाओ। बाप सारा दिन हमें तंग करता रहा है। चलो। अच्छा चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। क्यों मेम साहब, इसने आपको छेड़ा। मुझे कहना है ये छोड़ कहता है इंस्पेक्टर हिजला और हिजरोड हो जो 70 मील की रफ्तार से रोड पे चलते हैं, देखते कहीं और जाते कहीं, ऊपर से दूसरे किसी को बात भी नहीं। मैं कहता हूँ औरत है, पहले इन्हें बात करने दीजिए। बैठिए। Will you please listen to me, Inspector? You have ruined me. Hold your tongue. Oh, you. बलवा, पुलिस स्टेशन में बलवा। आप दोनों को दफा 110 में अंदर कर दूंगा। आप क्यों नहीं मुझे बाहर कर देते? नहीं, मैं दफा 279 में आपका चालान कर दूंगा। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। डैडी, हो क्या बात है? कुछ हुआ? पहले ये बाइसिकल निकालो, निकालो। डैडी, आज सब मामला ठीक हो गया था। अच्छा, लेकिन बीच में एक मोटा आदमी आन कूदा। बकवास, एक लड़की भी मुझे पसंद नहीं आती निकम्मे, हालांकि तुम मुझसे 100 गुना खूबसूरत है। हाय 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 हाय। आहा, क्या गुलजार खिलाया है भगवान ने हमारे होटल में। इतनी सारी है गधे, क्या इनमें से तुझे एक भी पसंद नहीं? एक? मुझे तो सभी पसंद है डैडी। क्या बकता है, आजकल तो एक ही को पसंद करना पड़ता है। देखता नहीं जमाना कौन सा चल रहा है, एक से एक अच्छी है डैडी। पसंद करूं तो किसको? किसी को भी कर, और शादी करके मुझे एक पोता दे। ओके। दुनिया फानी है, अगर मैं कहीं टैं बोल गया तो मेरे पीछे मेरी 2 बीघा जमीन का क्या होगा। डैडी, आप घबराओ नहीं, कल जो सबसे पहले नीचे आएगी मैं उसी पे अपनी जान लड़ा दूंगा। शाबाश, ये हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। मम्मी, आज बहुत मजा आया। अच्छी रही पिकनिक? बहुत अच्छी आंटी, और भी अच्छी हो जाती अगर वहाँ एक बोर ना मिल जाता। हाँ मम्मी, न जाने कहाँ से टपक पड़ा एक नक चढ़ा, टके चाल एक जीप तो ले आया, लगा हम पे रोब जमाने। हमने भी वो हाथ दिखाए। फिर तुम किसी से उलझ गई ना? हम नहीं आंटी, वो हमारे गले आ पड़ा। हाँ, मगर तुम्हारे गले क्यों पड़ता है कोई? हम खूबसूरत है ना, और जवान। चुप रहो। हे भगवान, 10 लड़कियां और 10 की 10 बिफरी हुई। मैं तो कहती हूँ कब छुट्टियां खत्म हो और मैं इनको साबत और सालम ले जाकर अपने अपने माँ बाप के हवाले कर दूं, तब मेरी छुट्टी हो। हे मिस्टर। हाय सिस्टर। ब्रदर। मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? कौन हो तुम? मेरी मक्खी उड़ा दी। तमीज से बात करो, ये बंगला किस लिए? बंगला नहीं, होटल। होटल यहाँ बाथरूम में खाली नहीं है, कहीं और ट्राई करो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं इस बंगले का मालिक हूँ। मालिक? अरे ओ प्यारे, ओ सफरचंद, जरा इधर आइयो, जरा इनकी भी सुनियो। कहते हैं मैं इस बंगले का मालिक हूँ। माँ बाप मर गए, औलाद छोड़ गए। स्टॉप इट। ये वही लड़का नहीं? हाँ वही है। अंकल, ये सारा दिन हमारा पीछा करता रहा है। कौन? ये मालिक? जवान सिंह, इसे उठा के फेंक दो बाहर। खबरदार, खबरदार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो, ये सब क्या मजाक है? छोड़ दो मुझे, उठाओ, उठाओ। ये बंगला मेरा है, मालूम है? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। हम सर खोल देंगे। देखो ना, बेचारी मासूम लड़कियां, हमारी बहू बेटियां। कुमार साहब, आप शाम, आप कहाँ, कब आए, बाहर क्यों खड़े हैं? ये मैं फिर बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ ये सब क्या है। मैं बताता हूँ, आप अंदर तो चलिए। बैठिए, बैठिए, चलिए। किसके हुक्म से इस बंगले का होटल बना दिया? ओहो, फिर आ गए आप। नियत कुछ खराब मालूम होती है। अब जाएगा या मार खाएगा? आप ये फूल, जाओ पहले इनका सामान लेकर आओ। सामान भी? जाओ जल्दी करो। हमारे साथ आइए। ये अंदर कैसे आ गया? बरसों से आपने और लाला जी ने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। यहाँ आना छोड़ दिया, कहीं दुनिया तो नहीं छोड़ती। जो तुमने बंगले का होटल बना दिया आप ही के फायदे के लिए किया है कुमार साहब। बेकार हर साल हजारों रुपया इतने बड़े बंगले की मरम्मत पर खर्च हो जाते थे। होते थे तो हमारे होते थे, किसी के बात पर क्या जाता था जी। वैसे भी पहाड़ पर आने वालों के लिए जगह कम थी और तुम्हारे दिमाग में अकल ज्यादा थी। आप ये किन पे अकल का इल्जाम लगा रहे हैं सरकार? अकल का इल्जाम लगता है तो हम पे। बंद करो ये बकवास। बंद कर दो ना, तुम्हारा क्या जाता है? खाना तैयार है सरकार। ओके, हम आते हैं। मुझे अफसोस है आंटी कि खामखाई सीन बन गया। क्या बात हुई श्याम बेटा? किस्सा ये था कि ये जो साहब जिनका नाम कुमार है, किसी जमाने में सारी जायदाद के मालिक थे। उनके बाप ने सारा रुपया पीने पिलाने जुए और अयाशी में तबाह कर दिया और ये जो उनकी जायदाद रहन थी वो मैंने खरीद ली। तब क्या बताऊं नीना जी, बड़ी दुख भरी कहानी। ये लड़का इसी बंगले में पैदा हुआ, इसी के आंगन में पला, इसी की दीवार के साय में जवान हुआ और ये सब कुछ बिक जाने के बाद वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और उसका दिमाग हिल गया। हे भगवान! और आज तक ये बात उसके दिमाग से नहीं गई कि वो अब यहाँ की एक भी चीज का मालिक नहीं। हर साल मुंह उठाकर यहाँ चला आता है और मैं रहम खाकर कहीं ना कहीं उसके रहने का इंतजाम कर देता हूँ। तुम कितने अच्छे हो श्याम बेटा। यही नहीं आंटी, वो मेरी जितनी भी बेइज्जती करता है मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ और मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप भी उसके साथ हमदर्दी का सलूक करें। क्यों नहीं? मैं अभी आता हूँ। हाय बेचारा, किस्मत का मारा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी नहीं, पहले आप बैठिए। अरे आप लोग खाइए ना। जी नहीं, पहले आप। जवान लड़कियां हैं, आधी रात के वक्त कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाए मैं कुछ नहीं जानता। आज रात सिर्फ आज रात उन्हें यहाँ रहने दीजिए, कल सुबह मैं इनका बंदोबस्त कर दूंगा। तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा? वो ऑफिस में सोफा है ना, चंद घंटों की तो बात है कुमार साहब। ठीक है, लेकिन सवेरे मुझे इनमें से किसी की मनुष्य शक्ल दिखाई ना दे। नहीं दिखाई देगी। गुड नाइट। आंटी, मामला कुछ खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया है। वो बहुत शोर मचाने लगा है। जवान लड़कियां हैं, मैं नहीं चाहता कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे। तो फिर मेरी मानिए तो मैं कल सुबह आप लोगों का किसी दूसरे होटल में बंदोबस्त कर देता हूँ। उसी का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? आप नहीं समझेंगे नीना जी। ठीक कहता है नीना, तुम जो मुनासिब समझो वही करो बेटा, मुझ पे जिम्मेदारियां भी तो कितनी हैं। तो बस ठीक है, आप लोग इस वक्त आराम कीजिए। ठीक है, चलिए। कितना हसीन, कितना खूबसूरत ख्वाब है ये। खूबसूरत जरूर है मगर ख्वाब नहीं। आप पढ़े रहिए चुपके से। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दे, आप बीमार हैं। बीमार? मैं बीमार नहीं हूँ। आप क्या मुझसे कुश्ती कराना चाहती हैं? देखा, अपने आप को पहलवान नहीं समझता है। आप पहलवान नहीं है, आप एक शरीफ आदमी हैं। नीना, नीना। सॉरी मैडम, बहुत चोट लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं तो मम्मी, मम्मी अरे आंटी तो बेहोश हो गई। क्या हुआ? इन्हें अस्पताल ले चलो। चलो चलो उठा, चलो चलो। बाहर मेरी जीप खड़ी। सिंपल फ्रैक्चर है और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, हफ्ते एक में लौट सकेंगी? शायद उम्र की एतबार से कुछ और दिन रहना पड़े। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, अब मुझे आराम है नीना, तुम लोग जाओ, तुम्हारा शो है ना। मम्मी कहा ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ जाओ। नीना जी सुनिए, मुझे बहुत अफसोस है। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, लड़कियां सब हमारे बंगले में रह सकती है। अच्छी बात, चलिए। प्यारे, प्यारे, मैं देख, वो फिर आ गई। हाँ हाँ डैडी, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है। भगवान ने तुझे और एक चांस दिया है। अभी भी कुछ कर नहीं सका तो बाकी का नहीं, किसी गधे का बच्चा है। ओह नो डैडी, मैं तो शक्ल ही से आपका बच्चा हूँ। पुराने जमाने में किसी लड़की से ब्याह करने के लिए बड़े बड़े तीर चलाने पड़ते थे, धनुष तोड़ने पड़ते थे। आजकल तो तिनका भी दोहरा नहीं करना पड़ता। डोंट वरी डैडी, मैं खेल के दिखाऊंगा। देख रहा है तुझसे बड़े बड़े चुगत ऐसी खूबसूरत लड़कियां बगल में दावे फिरते हैं कि हिम्मत कर, हिम्मत कर। ए जी, क्या है? मैंने कहा जी। जानते हो मैंने कहा जी किसे कहते हैं? जी आपको जी। गुंडे, बदमाश, मैं तेरी बीवी हूँ क्या? नहीं नहीं, आप तो मेरी बहन हैं। नमस्ते बहन जी। इडियट। थैंक यू। सरला, ये फूल जूड़े में टांग लोगी तो ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा। कैसा? जैसा कि मैं। ऐसा पति मिलने से तो सती हो जाना अच्छा। वाह 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 वाह, गधे और घोड़े में कोई फर्क ही नहीं। यू फाइंड नो मेजर डिफरेंस। व्हाट इज दिस गॉड, व्हाट इज दिस टुडे? कम ऑन गर्ल्स। आपका सेवक हाजिर है मैडम। मिस, ये कहाँ ले आए हो तुम? चिंता मत करो डियर देवी, क्रॉस इट। कहाँ से? मगर कैसे? ओहो, तुम सब मेरी शागिर्द हो, ऐसे लाइक दिस, सी जंप, सी। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बात यह है मुझे मोहब्बत हो गई है। ओह, किसी लड़की से? यस। अच्छा, ये सब लड़कियाँ कौन है और वो जो औरत उनके साथ है? ओहो, उसका नाम सावित्री देवी है। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की है ना, नीना, उसकी माँ है। अच्छा। और लखनऊ में लड़कियों के कॉलेज के हॉस्टल की वार्डन है। हर साल यहाँ लड़कियों का ट्रक भर के लाती है और यहीं इसी होटल में रहती है हर साल। यस। वो लड़की नीना किसी? अरे बाबा, उसका नाम मत लो, उल्टी गंगा है। जिस काम के लिए मना करो बस वही करेगी। उससे कहो दाएं हाथ को जाओ तो बाएं हाथ को जाती है। और उसके मिजाज है कि बम, गोला, धमाका, तोपखाना है। शी शुड बी सेंट टू द फ्रंट। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं, बिल्कुल वैसी है। आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी। प्यारे, ये सब लड़कियां कहाँ जा रही है? ये सब फ्रंट पे जा रही है। क्या मतलब? ओह, I'm sorry, आपको नहीं मालूम। आज नीना विल्सन क्लब में डांस का प्रोग्राम पेश कर रही है। ये सब वहीं जा रही है। नीना विल्सन क्लब में? नीना, खबरदार जो मेरा पीछा किया। नीना, मेरी बात तो सुनो। नीना, बीबी जब नाराज हो जाती है तब दरवाजे बंद कर लेती है। आज हमारी शादी की सालगिरह थी और मैं तोहफा लाना भूल गया। मियाँ बीबी का मामला है, वरना हम आपकी मदद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जरा सुनिए, आप वही गाना गाएंगे ना जिसका रिहर्सल कर रहे थे? जी हाँ। कितना मिलेगा आपको? ये 200 रुपए। जरा सुनिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अब कुमारी नीना और उनके साथी इस चैरिटी प्रोग्राम की सबसे शानदार आइटम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुमारी नीना और उनके साथी। हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। हे प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम, तो ऐ मेरे सनम लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। होए हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। के सबा दुनिया महकाए, बादल ने जो भी किए आंचल के साए। हाय तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने जो भी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम, तो ऐ मेरे सनम चुरा लो मैं भी दो जलवे, मेरा अरमा भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। मुबारक हो, आपके पति बहुत अच्छा गाते हैं। क्या कहा? आपके पति बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे पति? पत्नी तो और कौन? What a smart boy! बस अब एक मोनिका रह गई है, मैं उससे कहूंगा डार्लिंग तुम्हारे काले काले बाल सफेद से गाल मोनिका मोनिका। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, मैं बोल रहा था तुम्हारे सफेद सफेद बाल काले काले गाल। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं कह रहा था ऊपर दिन है नीचे रात है, वल्ला क्या बात है। वाह वाह वाह, इतना जोर से मारा मुझे। ओह ए प्यारे, मुझे कौन सा कमरा दिया? ऊपर पहुंचकर बाएं तरफ पहला कमरा। थैंक यू। कौन है? रीटा, कमी नहीं कहीं। जासू अपने कमरे में जाती है या नहीं? जासू अपने कमरे में, रीटा प्लीज जाना। नहीं जाती, ठहर। जाती है या नहीं? तुम शर्म नहीं आती? मैं भगवान की कसम खाता हूँ। चल तुम्हारा भगवान दिखा। प्लीज मैडम। क्राइस्ट, अच्छा ये बात है। मेरा कोई कसूर नहीं है, न जाने ये कैसे मेरे कमरे में घुस आया। मैं बताऊँ? ऐसे। चली जाओ मेहरबानी करके, मुझे परेशान मत करो। परेशान तो तुम कर रही हो। ए शिकारे वाला, हमको उस बेडिंग रोड पे ले जाओ। Come along, it's going to be fun. तुझे तैरना आता है रीता? मुझे तो सिर्फ डूबना आता है। ये हाँ, मैं तो मोटर बोट लूंगी और पानी में उड़ती फिरूंगी। ए मोटर बोट वाले, बोट खाली है क्या? खाली है नील शॉप। ओह वंडरफुल, मैं अभी आई। अब्दुल्ला, देखो क्या करते हो? मैं कहती हूँ रोको। ए, रोको, रोको ना। क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ आहिस्ता चलाओ। अब तो चले सो चले, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। आप? तुम? जी हाँ। रोको नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। मचाइए मचाइए। बदतमीज। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर, माथे की शिकन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांकपन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांकपन। ओहो हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। ओहो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, हो तुम फिर भी खफा, असर की बात है ओ तुम फिर भी खफा, असर की बात है। ओहो हो प्यार क्या है जान तमन्ना अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम भला मानो बुरा मानो। आपने तो जान ही निकाली मेरी। और मेरी जान? मगर वो तो कभी की निकल चुकी है। बहुत दुख देते हैं आप। सुख भी दूंगा। आप नहीं जानते नीना जी मैं आपसे कितना प्यार। हाँ मगर सबके सामने तो ना कहा कीजिए। अगर मुझे यकीन हो जाए आप मुझे। और नहीं तो क्या? सच नीना। ओहो हो मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो नहाऊंगी। ठीक है तू उस बेडिंग बूट में जाके कॉस्ट्यूम चेंज कर ले। चलिए चलिए। मेरे कपड़े कहाँ हैं? आपके कपड़े वो मेम साहब ले गई जी। मेम साहब ले गई? दिलाता हूं इंस्पेक्टर साहब मैं चोर नहीं, चोर का भाई नहीं। तो फिर दोस्त होंगे। कॉन्स्पिरेसी दफा 34। अच्छा अभी पता लगाता हूं। ऑपरेटर ड्रीमलैंड होटल। हेलो ड्रीमलैंड होटल, मैं गोपीचंद इंस्पेक्टर बोल रहा हूं। हाँ आपके यहाँ कोई रमेश कुमार रहता है? हाँ रहता है, बड़ा आदमी है। हाँ। आप? जी मैं ड्रीम लैंड होटल से। दीजिए इनको कपड़े। वाह 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 वाह, और मैं नंगा हो जाऊं? हाँ? ओह इनके कपड़े। हाँ। आई एम सॉरी। इस अफीम की कीमत में ज्यादा से ज्यादा 6,000 दे सकता हूँ। 8,000 से एक पैसा कम नहीं। चलो 7 सही। लो ये पैकेट मुझे दो, इन्हें डन में ले जाओ। चलो डीएसपी साहब आए तो उन्हें कहना कि शाम को टेलीफोन करना है नाइट क्लब में। मैंने कल उनके लिए शिकार का इंतजाम कर दिया। थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? माफ कीजिएगा, मैंने आपकी क्लब में अभी एक बदमाश को आते हुए देखा। जी, शरीफों की क्लब में बदमाश का क्या काम, लेकिन फिर भी अब आप चाहें तो सारा क्लब देख सकते। यहाँ आने जाने का एक ही रास्ता है। थैंक यू। वेलकम। लालचंद, पुलिस आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। खैर, सौदा पक्का हुआ। माल फिर किसी वक्त ले जाना। जी, बहुत अच्छा। आपका अंदाजा ठीक निकला हुजूर। तो शंकर ने हमारा माल 10,000 रुपए में बेच दिया है। जी हाँ हुजूर, दिल्ली में। मार खाकर बका। छोड़ दो इसे। पानी 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 लाओ। पानी पानी। तुम तो कहते थे पार्सल गुम हो गया है। माफ कर दो बाबूजी, माफ कर दो बाबूजी, बाबूजी माफ। रुपया कहाँ है? सिर्फ 6,000 रुपया है। बाकी कहाँ है? खर्च हो गया। झूठ बकता। यहाँ तो सिर्फ 40 रुपए के लिए आदमी मार दिया जाता है, और ये तो 4,000 की बात है। सच सच बताओ। जब तक ये ठीक ठीक नहीं बताए, इसका यही हाल करते रहे। ड्राइवर तो नहीं, बंदा हाजिर है। हमें नहीं जाना। कहाँ जा रही है? चलो ना, काश मैं एक आर्टिस्ट होता और तुम्हारी तस्वीर बना सकता। ये तुम्हारी हिरनी ऐसी आंखें, जुल्फों की ये घटाएं, तुम खुद नहीं जानती रीटा तुम कितनी खूबसूरत हो। जैसे ये फूल नहीं जानता ये कितना हसीन है। मैं आया बेबी। जगह दंगा, हर जगह फसाद। आजकल के लड़के लड़कियों को न जाने क्या हो गया है। आप वहाँ भी थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब झगड़ा इन्होंने शुरू किया। इंस्पेक्टर साहब, अब कहाँ जाओगे बचकर? हम अच्छा भला डांस कर रहे थे, बीच में कूद पड़ा। पुरन बिहाइंड बार्स इंस्पेक्टर, इसी की शरारत है। बिल्कुल, यहाँ दंगा किया तो दफा 110 में सबको चालान कर दूंगा। ये पुलिस स्टेशन है, कोई मछली मार्केट नहीं। सीताराम, इनको हवालात में बंद कर दो। ठहरिए, इसका कसूर है, मैं बताती हूँ। क्योंकि सब झगड़ा मेरी वजह से हुआ। डांस करते वक्त इस लड़के ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बीच में पड़कर रोक लिया, जिस पे ये और इनके सब साथी टूट पड़े और फसाद शुरू हो गया। इनका कोई कसूर नहीं इंस्पेक्टर साहब। मीना, ये बिल्कुल बेकसूर है। सीताराम, इनको जाने दो। मुझे नहीं, इससे हुआ है। एक तो मेरे बिस्तर पर आ गई, दूसरा मुझे तंग कर रही है। तुम नहीं जानती इस बीमारी को। क्या बीमारी है? मोहब्बत। सो जाओ। बहुत ना हो चुके हैं नीना। अब मुझे और न तरसाओ नीना, नहीं तो देखो पछताओगी। हाँ, मैंने दिल की उमंग को क्या करूं मैं, अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जान है। ओ भी दूर है, बाहों में उठा लो ये अरमा जरूर है। माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लो ये अरमा जरूर है। मानो ना मानो दीवाना बेकसूर है। रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। हो जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। हो जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद। हो जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। सुनो, अस्पताल जाओ, सावित्री देवी का टेलीफोन आया है। देखो बुड्ढी खुसट क्या कहती है, परेशान कर दिया। जी सरकार। ठीक हो गई मम्मी, किस बात करो ना? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही कुछ याद आ गया, कुछ भूल गया। बीबी जी, कौन हो तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? जी मैं श्याम। गेट आउट। तुम्हें क्या हो जाता है नीना? ऐसे ही बेचारे को डांट दिया। मैंने ही तो शाम को कहलवा भेजा था। हाँ, मगर देखा नहीं, वो किसी पागलों की तरह घूर रहा था। शाम शाम, हद हो गया शाम, कमाल हो गया। क्या हुआ? वो बुद्धि खुश नहीं है शाम, मेरा शाम की बीबी है, मेरा शाम की। क्या बकते हैं? बकता नहीं शाम, सच कहता हूँ। मैंने 10 साल मेरा शाह के घर में नौकरी की है। इनकी बीबी है शाह, बीबी मेरा साहब की खोई हुई बीबी। हाँ सरकार, मैं तो उसे शाह से पाँव तक पहचानता हूँ। मतलब ये कि नीना उसकी लड़की है, उसकी सारी जायदाद की वारिस। देखो लालचंद जी, शाह ये बात किसी को बताना नहीं। नहीं बताएगा शाह। ऊपर बैठो। मैं शाह? बैठो बैठो। लो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे ये क्या? मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं श्याम बेटा? शुक्रिया की क्या बात है आंटी, मैं तो उल्टा माफी मांगने आया हूँ कि जितनी देखभाल मुझे आप ही करनी चाहिए थी उतनी ना कर सका। यहाँ बैठो ना, सब तुम्ही ने तो किया है, नहीं मैं तो परदेश में रुल जाती। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम्ही तो मेरी देखभाल कर रहे हो। आंटी वो तो मेरा फर्ज है, मैं तो आपको अपनी माँ समझता हूँ। मेरी माँ नहीं है ना? जी मैला ना करो, तेरे ऐसा बेटा तो हर माँ को दे भगवान। मैंने तो कई बार नीना से भी कहा है, श्याम ऐसा लड़का नहीं है इस दुनिया में। आंटी, मैं तो चाहती हूँ तुम सचमुच ही मेरे बेटे बन जाओ। नीना बेबाप की लड़की जब से जवान हुई है, रातों की नींद, दिन का आराम छीन लिया है उसने। मैं तो चाहती हूँ तो जैसे कि हाथ में उसका हाथ देकर आप भी सुखी हो जाओ, गंगा नहाओ। आंटी, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मुझे माँ मिल जाए। बेटा, बेटा आप आराम कीजिए और अगर किस चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं बेटा नहीं, छोड़। Come in. नमस्ते नीना जी। नमस्ते। कहिए कैसे तशरीफ लाए? जी ऐसे ही मिलने को जी चाहा था। मुझसे? क्यों, क्या एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से मिलने को जी नहीं चाहता? जी चाहता तो है मगर। रीटा, जेनिफर! मैंने बहुत कोशिश की नीना जी कि आपके बारे में न सोचूं, लेकिन मेरे ख्वाबों में आप जितनी हसीन मालूम होती हैं जिंदगी में उससे 100 बार ज्यादा है। जी सलमा, एक बात मैं आपसे अकेले में पूछना चाहता हूँ। कहिए। क्या कभी आपको मेरी भी याद सताती है? जी क्यों नहीं सताती, आखिर दिल को दिल से राह होती है ना। इसकी टांग टूट गई है, जरा थामिए, मैं भी सुई धागा लेकर आती हूँ। ये आप क्या थामे खड़े हैं? ये वो नीना जी मुझे। वो तो गई, आपके हाथ में ये दे गई। कुछ भी कहो सलमा, नीना है बड़ी लकी। लकी कैसे? एक नहीं दो इतने खूबसूरत लड़के उस पे मरते हैं, एक कुमार और दूसरे ये। लड़के मरते ही अच्छे लगते हैं। शायद लेट हो गई, नहीं तो। ऐसे ही तो वादा नहीं किया था। अभी तो गुस्से में हो शायद। प्यार भी एक ही मुसीबत है, ऐसे ही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नहीं तो नीना चलो। क्या गुल खिलाती रही हो मेरे पीछे? रीटा बोलो बोलो मोनिका, अब क्यों चुप साध ली? सलमा बको तुम। इनसे क्या पूछती है मम्मी, मैं बताती हूँ। ठीक है जाओ तुम अपने अपने कमरे में ठहरो। अगर तुमने मेरे पूछे बिना एक पैर भी बाहर रखा तो 3-3 साल के लिए कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी, समझी? जाओ दफान हो जाओ। बोलो। मैं कुमार के साथ बाहर गई थी। क्यों गई थी उसके साथ? साथ जाने में क्या बुरा है? यूं तो कुछ भी नहीं बुरा, किसी भी लुच्चे शोधे के साथ। मम्मी, मत भूलो मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है मैं सब समझती हूँ। कुमार ऐसे लड़का नहीं है। हे भगवान, होते तुम्हारे पिता तो देखती कैसे धड़ से तुम ऐसी बात कर लेती। मैं गरीब औरत हूं ना, इसलिए तुम मुझे रुला रुला के मार रही हो। मम्मी मुझे हाथ मत लगाओ। तुम मेरी माँ हो मम्मी, तो बाप भी तुम हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। मैं तो शुक्र करती हूँ शाम ने तुझे नहीं देखा, जिसके साथ मैं तुम्हारा रिश्ता करने जा रही हूँ। नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। तू इनकार नहीं करेगी, जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। कहिए, होटल पसंद आया? अच्छा है होटल बेटा, लेकिन जरा महंगा मालूम पड़ता है। जब तक आपका बेटा मौजूद है आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है आंटी जी, और भी मैं सब ठीक कर दूंगा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं कम, मुझे एक जरूरी काम है तुमसे। मुझसे? आपको काम? जाइए जाइए किसी और को बनाइए। मैं सच कहता हूँ कम, ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। याद है तुमने एक बार कहा था तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। मैं मर जाऊं, हो सकता है जान दे दूं, पर काम ना करूं। देखो मजाक ना करो कमो, मेरी जान पर बनी है। मेरी जान? ऐसी भी क्या बात है? ऐसी ही बात है। मैं कहिए कहिए। बात यह है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। बेचारी। क्या मतलब? दुख पाएगी, प्रीत किए दुख हो। देखो बातें ना बनाओ, मैंने जिंदगी में पहली बार सच बोला है। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? किस्सा यूं है कि मेरे और उसके बीच कोई लड़का आ गया। हाँ। मैं उसे रास्ते से हटा दूं? हाँ। नहीं, मैं एक मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ूंगी। नहीं कमो, इसमें तुम्हारा भी भला है। मेरा भला? और आपने सोचा? हाँ, वो लड़का बेहद अमीर है और खूबसूरत भी होगा। हाँ, तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसके कि तुम आज तक ख्वाब देखती आई हो। मैंने दूर के ख्वाब देखना कब के छोड़ दिए, जरा पास की। ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 5000 रुपया दूंगा। 7000, 10000 से ज्यादा नहीं। मैं मर जाऊं, आप किसी बहुत बड़ी मार पे मालूम होती है। नहीं कमो, मैं तो सिर्फ मोहब्बत। ये लो 1000 रुपया, बाकी काम पूरा होने पर दूंगा। एक बार वो दहलीज फांद ली, फिर मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं मर जाऊं। जी कुमार साहब। वो क्या है कुमार साहब? नीना जी ने आपको मेट्रो होटल में बुलाया है। नीना ने? जी हाँ। ओके, थैंक यू। अंदर आ जाइए। मैं मर जाऊं, श्याम ने ठीक ही कहा था। जी क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, यूं ही। मैं कह रही थी कितनी खुशकिस्मत है नीना। जी नीना कहाँ है? अभी आती है, आप तशरीफ रखिए। आप घबरा क्यों रहे हैं? जी नहीं। 2 मिनट मेरे पास बैठ जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका? जी नहीं, मैं तो। मर्दों की पसंद है ना आपको, तो नीना मुझसे बहुत खूबसूरत मालूम होती होगी। जी क्या मतलब? मर्द जब मतलब समझ जाते हैं तो हमेशा यही पूछते हैं, क्या मतलब? बहुत ही प्यार होगा आप और नीना में, जो कोई और आपके निगाह में नहीं टिकता टिकती। आपको कैसे पता चला मैं नीना से प्यार करता हूँ? जी ये निगाहें बड़ी जालिम होती हैं। आप नीना को बुलवा दीजिए। आप बैठिए ना, बैठिए, मैं अभी बुलवा देती हूँ। अगर बुरा ना माने तो जरा ये हुक लगा दीजिए ना। आइए ना, आइए। ये हुक मुझे बहुत सताती है, सताता है। ये क्या? कमो A1, तुम्हें तो हॉलीवुड में एक्ट्रेस होना चाहिए था। और आपको जल्लाद। क्या मतलब? इतना खूबसूरत लड़का है और लड़की भी खूबसूरत होगी, ऐसी हसीन जोड़ी को तबाह करने जा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म है, शर्म कैसी? तुम्हें रुपए चाहिए या नहीं? रुपए? हाँ। तो लो, मैं मर जाऊं। बेटा डार्लिंग, मुझ पे भरोसा रखो, हमारी मोहब्बत हमेशा अमर रहेगी। मानो मेरी बात, रहेगी, जरूर रहेगी। प्यारे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। मैं यार एक अजीब मुसीबत में फंस गया। क्या हो गया? नीना ने मुझे मेट्रो होटल में बुलवाया, वहाँ दिए हुए पते पर एक अजीबी लड़की से टक्कर हो गई। अरे भाई हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि रो नहीं सकता। अरे भाई कुमार साहब, इस दुनिया में 2 किस्म के आदमी हैं, एक बेवकूफ, दूसरे बहुत ही बेवकूफ। मालूम होता है नीना और उसकी सहेलियों ने आपका उल्लू बनाया। अरे भाई नीना तो ग्रैंड होटल में ठहरी है। ग्रैंड होटल? हाँ। बाय द वे, मैं तो भूल ही गया, कुछ लोग आपसे मिलने बॉम्बे से आए हैं। कहाँ हैं? देयर इन द ड्राइंग रूम। जाइए जाइए। डार्लिंग माफ करना, एक पुलिस वाला आ गया था गलत वारंट लेके। अंकल जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अंकल आप बिना इत्तला किए? मेरी इत्तला की बात पीछे करना, पहले ये बताओ तुम्हें इतने दिन यहाँ आए हुए कोई खत वगैरह क्यों नहीं भेजा है? ऐसे ही अंकल, आते ही लंबे चौड़े हिसाब किताब में पड़ गया। अंकल इनका कोई बंदोबस्त हुआ? हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अंकल मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? ओह कुमार साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे रीटा से मिलने। कैन यू हेल्प मी? अरे तू मेरी हेल्प कर यार, ये लेटर जरा नीना को पहुंचा देना। अरे तू बहादुर है ना? बहादुर? ओके। लड़का? बेटा? कौन है? किधर जाता है? डार्लिंग, 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 देखो वो यहाँ भी पहुँच गया। दिन रात मेरा पीछा करके जीना मुश्किल कर दिया। ठहरो, मैं भी उसे गोली छोड़ा दूंगा। अरे, 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 ओ, अरे, अरे क्या करते हो? अरे, ओ, अरे बस करो, अरे, ओ, अरे गिर जाओगे यार, क्या बदतमीजी है? रीटा, रीटा, बहिष्ट के बागों से ये फूल तुम्हारी जुल्फों के लिए लाया हूँ। रीटा, रीटा, अरे मैं कहाँ गया? बाप रे, हम बिजी हैं, बाद में आना। मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। उफ़, मैंने कहा ना आज शाम को पिक्चर चलेंगे। अब थूक दो गुस्सा। क्या है? चोर? यहाँ कोई चोर और नहीं। गेट आउट। साहब, गेट आउट ऐसे। जब तुम खफा होती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। तुम मनाते हो तो और भी बदसूरत लगते हो। हाँ मेरी जान, यही तो ब्यूटी और बीस्ट का मेल है। मत आओ मेरे पीछे। तो और कहाँ जाऊँ? जोर मार दिया। इतनी ताकत तो मर्दों में भी नहीं होती। ठीक क्यों रहती है? मैं तुम्हारे हाथ फिर मेरा हाथ। चोर, चोर बचाओ, चोर बचाओ। अच्छी तरह देख लिया ना? हाँ अच्छी तरह देखा है। यहाँ कोई नहीं। अरे जाएगा कहाँ? बोलो। रीटा, मैं हूँ प्यारे लाल। वही ठहरो, अभी आ रही हूँ। अब तो अपने दिल का दरवाजा खोल दो रीटा। ये मैं ही नहीं, सारी दुनिया पुकार रही है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कह दिया ना अभी आ रही हूँ। ओहो खामोश, खोल रही है। शोर मत करो, मत चिल्लाओ। ये क्या बकवास? करने दो, हम अपनी बकवास। ओह, मैं तो भूल गया था, ये खत मीना को दे देना, कुमार ने दिया है। दरवाजा खोलो, नहीं तोड़ देंगे। चोर कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे पलंग के नीचे ना छिपा हो। चलो देखें। आइडिया है, यहाँ भी नहीं है। अरे कैसे रही है? अरे नहीं कहाँ गया हो? यहाँ भी नहीं है, चला गया। तो कोई भी नहीं है भाई, मालूम होता है भाग गया। चलो बाहर देखें। जल्दी करो। चोर, चोर यहाँ भाई। नीना, तुम यही ठहरो, मैं अंकल से बात करके फिर तुम्हें बुलवाता हूँ। मुझे डर आता है कुमार। इसमें डरने की क्या बात है पगली, अंकल तो मेरे इशारे पे अभी आया। अंकल कहाँ चले गए थे? अंकल मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ जी। बात यह है कि यहाँ आने के बाद मैंने अपनी किस्मत पाली। मुझे वो लड़की मिल गई अंकल, जो मेरी पत्नी होगी और आपकी बहू। क्या कहते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हाँ अंकल, मगर मैं नीना से प्यार करता हूँ। ये लड़की कौन है? इसके माँ बाप, घर बार? जी उसकी माँ लखनऊ के कॉलेज की वार्डन है। कभी ये खाते पीते लोग थे, लेकिन अचानक किसी बड़ी मुसीबत ने उन्हें आ लिया। और अब इस मुसीबत ने हमें आ लिया है। उसका बाप जी, बाप के बारे में मैंने कभी पूछा ही नहीं। गालिबन वो मर चुका है। मर चुका है तो रमेश कुमार मेहरा इंडस्ट्रियल एम्पायर का वारिस एक कॉलेज वार्डन की लड़की से शादी करेगा, जिससे उसकी जान पहचानी जुमा जुमा आठ दिन की है, जो उसके घर बार के बारे में भी नहीं जानता। तो ये भी नहीं जानता कि उसका बाप मर चुका है या जिंदा। अंकल उससे क्या फर्क पड़ता है, जहां तक लड़की ठीक है। मुझे ये सब बातें जानने की जरूरत नहीं। बंद करो ये बेहुदा बातें। अभी तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ देखना है रमेश। वो लड़की जिसकी मां ने जिसे इतनी छूट दे रखी हो कि वो किसी भी नौजवान से आंखें लड़ाती फिरे, वो खुद कैसी होगी? मुझे तो उसके भी चाल चलन पर शक है। वो औरत जिसे अपने पति का पता है, वो बेटी जो अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानती, वो किस घरान से ताल्लुक रखती होगी? आखिर खानदान भी तो कोई चीज है। किसी का खानदान अच्छा है या बुरा, यह लड़की की एक मामूली सी हरकत से पता लग जाता है। बको मत, मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं। अंकल स्टॉप इट। नीना, नीना कहाँ गई थी? यूं ही थोड़ी हवा खाने, बैठे बैठे दम घुटने लगा था। बंद कर ये बकवास। मैं सब जानती हूँ, तेरा खाया पिया सब पहचानती हूँ। तू घर भर की इज्जत खाक में मिलाने पर तुली हुई है उस बदमाश के साथ। मम्मी खबरदार। मालूम होता है अब मुझे ताले ही लगाने पड़ेंगे। आत्मा को ताले लगे हैं मम्मी, और न लगेंगे। मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ। मैं कुमार से प्यार करती हूँ और करूंगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं रोकूंगी। अब तू जाएगी तो मेरी लाश पर से होकर। जिस रास्ते पे तू जा रही है न पूते, वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। मम्मी तुम कभी इस रास्ते पर चली हो तो जानो, इसके मोड़ पे एक मंदिर है जिसमें भगवान की स्वर्ण मूर्ति। नीना मत शोर मचाओ, यूं आंखें दिखाओ। माँ प्यार क्या होता है ये उस औरत को क्या मालूम है? जिसे अपने पति का पता नहीं, जो फसादों में उसे छूट गया, ये वैसे छोड़कर चला गया। इसीलिए तू नीना, नीना बेटी। नीना, नीना 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 मैं जानता हूं तुम्हारे मन पे क्या बीत रही है। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही सोचता, लेकिन अंकल ने जो कुछ कहा सब झूठ था, सब झूठ। मुझे यूं करवटना तो नीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती। नीना, नीना मैं लौट जाता हूं। नीना अब तुम बुलाओगे भी तो मैं नहीं आऊंगा। टुकड़े हैं मेरे दिल के, है यार तेरे आंसू देखे नहीं जाते हैं। दिलदार तेरे आंसू टुकड़े हैं मेरे दिल के, कतरे नहीं छलके ये आँखों के प्यालों से। मोती है मोहब्बत के इन फूल से गालों पे, इन से गालों पे बहने नहीं दूंगा मैं। बेकार तेरे आंसू देखे नहीं जाते हैं। दिलदार तेरे आंसू टुकड़े हैं मेरे अशकों से भरा देखूं कैसे तेरी आँखों को। ऐ जान ये सुलगता गम दे दे मेरी आँखों टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू। श्याम, श्याम जी, तुम नीना नाम की लड़की को जानते हो? जी नीना? जी हाँ जानता तो हूँ, मगर वो अगर मगर कुछ भी नहीं। मैं उससे अभी मिलूंगा। अभी? आज तो नहीं, मैं कल तक उससे मुलाकात का बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ करो, जितनी जल्दी हो सके। जी मैं लाल चंद, श्याम बाबू का नौकर। उन्होंने आपके नाम एक जरूरी संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? जी वो ये कि आप कल सवेरे ग्रैंड होटल पहुंच जाइए और किसी भी बहाने 8 बजे से पहले नीना देवी की मां सावित्री देवी को वहां ठहरा दीजिए। नीना की मां सावित्री देवी को वहां से टहला दूं? क्यों? जी जी ये मुझे क्या मालूम। तुम उन लोगों के बारे में कुछ जानते हो? जी हाँ। जी नहीं, जी नहीं। कांप क्यों रहे हो? जी मैं, सर्दी है ना, सर्दी। तो फिर आ बैठो। अरे अरे ये क्या, ऊपर बैठो। हाँ हाँ बैठ जाओ। सर्दी में कुछ पीपला भी लेते होगे? जी हाँ, जी नहीं। जी पियो ना, कम से कम ढप से बात तो कर सकोगे। मालूम होता है तुम्हारे श्याम बाबू को नीना से बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत? क्या मोहब्बत नहीं? छोड़िए मेम साहब, आजकल के जमाने में कौन मोहब्बत करता है। साहब पैसे की बात है। क्या कह रहे हो? श्याम बाबू तो ऐसे आदमी नहीं। बस आप पूछिए नहीं, मुंह से निकली बात पराई हो जाती है। अरे कहाँ पराई होगी, कहो तो आखिर बात क्या है। वादा कीजिए आप किसी से कहेंगी नहीं, वरना मेरी गर्दन यूं उड़ जाएगी जैसे बोतल खोलने से काग उड़ जाता है। बात यह है कि श्याम बाबू नीना देवी से इसलिए शक बघार रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि नीना एक करोड़पति शेठ मेहरा शाह की बेटी है। मैडम, नीना कुमारी किस कमरे में रहती है? लाला जी, बात यह है कि मैं यहाँ पर। तुम इतने घबराए क्यों? घबराया तो नहीं हूँ, हाँ, नीना 10 नंबर कमरे में, 1st फ्लोर। नीना तुम हो? जी, आप आइए। बैठिए। नहीं, मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुमने मेरे बेटे कुमार पर क्या जादू कर दिया है। जी, ये सवाल आपने उनसे भी पूछा होगा। हाँ, और उनका जवाब भी जानते होंगे। हाँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम उसके नहीं, उसकी दौलत के पीछे पड़ी हो। ये झूठ है, मैं उनके सिवा कुछ नहीं चाहती। वो होंगे तो मैं उनके साथ कुटिया में भी रह लूंगी, रूखे सूखे से भी अपना पेट भर लूंगी। लड़की, अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो मैं उसे लाखों करोड़ों की जायदाद से महरूम कर दूंगा। क्या तुम ये चाहोगी वो लड़का जो एक एम्पायर का मालिक होने वाला है 2 कौड़ी का आदमी हो जाए? क्या तुम इसे प्यार कहोगी कि उसका इस कदर रोशन मुस्तकबिल तबाह हो जाए? ये सोचना उनका काम है पिताजी, मेरा भविष्य तो उनके सिवा और कोई नहीं। अपने भविष्य के ख्याल में तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि प्यार पति पत्नी का नहीं, बाप बेटे का भी होता है? तुम्हें इस गरीब बाप का ख्याल नहीं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं एक बेटे के सिवा। मेरे पास भी जीने का कोई और बहाना होता पिताजी तो मैं उन्हें भी छोड़ देती। नीना, अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारा गला घोंट देता। आप मेरे पिता होते तो मैं तड़प तड़प के आपके कन्नों पे जान दे देती। अब आप जाइए। तुम मुझे समझने की कोशिश करो बेटी, अगर तुम्हारे पास रुपया हो तो तुम्हें एक से एक अच्छा वर मिल सकता है। मुझे बेटा नहीं मिल सकता, उसे छोड़ दो। उसके लिए तुम जो कुछ भी मांगो मैं देने के तैयार हूं। 1 लाख, 2 लाख, 5, 7। आप मेरे पिता होते तो मैं इस बोली को करोड़ तक ले जाती और सब उन परिवार का फेंक देती। नोट हवा में उड़ते, एक तरफ दौलत का मजाक उड़ाते, दूसरी तरफ प्यार के कदमों पे बिछ बिछ जाती। नीना, मैं बेबाप की बेटी हूं ना, बेआसरा बेसहारा, जिसके सामने कोई भी आए उसका मुंह चिढ़ाए और चला जाए। मेरे पास प्यार के सिवा और तो कुछ भी नहीं। नीना, बच्चों की सी बातें मत करो। तुम क्या जानो रुपया क्या चीज है। मैं चलता हूं, रात को ठंडे दिल से सोचना। ये बुढ़ा खाली बातें ही नहीं करता। तो ये हाल किया कुमार ने मेरा, शादी के बाद मुझे तबाह कर दिया और अब आपकी बेटी नीना की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बेटी, मैं कितनी आभारी हूँ तेरी, तूने सचमुच हम बदनसीबों को बिना ही मौत से बचा लिया। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। मर्द लोग कुछ भी करें, हम औरतें तो आपस में ऐसा नहीं कर सकती। देखा नीना, मैं ना कहती थी क्या मम्मी, ये कि वो लड़का अच्छा नहीं जिसे तुम प्यार का दम भरती हो। मैं कहती हूँ भगवान का शुक्र है तुम बाल बाल बच गई, नहीं तो तुम्हें कहीं करना रहने देता। ये कैसी बातें करती हो मम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ। जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत खराब की उसने और अब तेरे साथ रास रचा रहा है। बम्बई में एक सेठ की बेटी के साथ उसने मंगनी की और यहाँ जिस लड़की से मैं मिलने गई थी उसके साथ ब्याह रचा लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर इन बातों का सबूत क्या है? सबूत ये लो। और सबूत चाहिए? ये लो, ये लो। अब यकीन आया? कल तुम्हारी भी यही हालत होती जो आज उस लड़की कम्मों की हो रही है। कमो, तुम? मैं मर जाऊं सरकार, लौंडी क्या सलाम अर्ज करने भी नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन जेरे दीवार खड़े हम तेरा क्या लेते हैं, देख लेते हैं, लगी दिल की बुझा लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब मतलब पर आओ। हमारा क्या होगा, मतलब आपका जो बहुत गहरा होता है। लोग तो एक तीर से दो दो शिकार करते हैं, हजूरात तो सौ सौ कर डालते हैं। पको मत, साफ साफ कहो क्या चाहिए। मैं मर गया हूँ, गरीब का सवाल चंद टके। इतना हसीन जोड़ा जिसे आपने बहकाया, कितना बड़ा गुनाह करवा दिया है मुझसे। इसका इब्जा ना तो मैंने कब ना कहा। तुम्हारा रुपया जब चाहे ले जाओ, लो। बस वो जो नीना और कुमार के साथ दूसरे भी शहीद हो गए। दूसरे कौन? अब बनिए मत। नीना और कुमार की मोहब्बत तो कल की है, वो जो बरसों से बिछड़े हुए हैं उनको जुदा रखने की कीमत। तुम्हें किसने बताया कम? अपनी समझ और आपके मिजाज ने। लगे हाथ तो इसका भी कुछ हो जाए। इस राज का मैं तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा। 25,000। थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा, इतना सा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो कम? आप और ब्लैकमेल से घबराए। 50,000 से इधर काम ना बनेगा हुजूर। 50,000? अजी सोचिए तो कितना हिस्सा बनता है मेहरा साहब की जायदाद का। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था डार्लिंग, शाम को पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा ना हो स्वीटहार्ट, शाम की शाम ना आए। मैं भी कहीं शादी करके बैठ जाऊं और सारी उम्र आपके गुण गाऊं। देखिए ना, मैं भी अभी जवान हूं। आपकी लोगों की नजरें कहती हैं खूबसूरत भी हूं, फिर कौन पूछता है। मेरी जान, ऐसे कई 50,000 तुम पर से कुर्बान। मैं मर जाऊं, कहीं सच ही ना कहते हो। देखो कम, हर वक्त मर जाऊं ना कहा करो। किसी वक्त का कहा सच भी हो जाता है। हो जाए, इन गुनाहों के बाद आप ही चाहते होंगे जीना, मैं तो नहीं चाहती। हमें मौत ने नहीं, जिंदगी ने काटा है सरकार। लालचंद, तुम लोग बाहर जाओ। तूने कमों क्या शराब पी थी? नहीं सरकार। झूठे नमस्ते माँ जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। नीना के सिवा और कोई बात हो तो कहो। जी, मैं तो सिर्फ नीना ही के बारे में कहने आया था। तो चले जाओ यहाँ से, ये रास्ता है तुम्हारा। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं नीना से प्यार करता हूँ और वो मुझसे। ये गलत है, वो तुमसे प्यार नहीं करती और ना तुम उससे करते हो। वो तुम्हें जान चुकी है, तुम्हारा जो असली रूप है पहचान चुकी है। अब तुम किसी और लड़की को बनाओ तो बनाओ, नीना तुम्हारे जाल में ना आएगी। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा जब तक नीना। मामी जो कह रही है ठीक ही कह रही है। नीना, नीना क्या हो गया तुम्हें? अब मैं तुम्हारे जी बहलावे की चीज नहीं रही। मैं ना जानती थी तुम इस कदर नीच, इतने कमीने होगे। कहीं मंगनी करोगे तो कहीं ब्याह रचाओगे। ब्याह? मैंने? हाँ, तुमने कम्मों से ब्याह किया और इसी सांस में मुझसे प्यार के वादे करने लगी। गलत है, यह सब झूठ है। झूठ है? ये उसके गिर्द बाजू डालना झूठ है, उसे गोद में उठाना झूठ है। गले लगाना भी झूठ है। समझा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ नीना, मुझे किसी साजिश का शिकार बनाया गया है। वो तुम्हें नहीं, तुम मुझे अपनी साजिश का शिकार बना रहे हो। मुझे जितना बेवकूफ बनना था बन चुकी, अब न बनूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जाता हूँ, अपनी बेगुनाही के सबूत के लिए मैं अभी कम्मू को पकड़ कर लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, खबरदार फिर कभी यहाँ आए। चले जाओ। कामिनी देवी, कामिनी देवी, कामिनी देवी। कहती थी मैं एक तीर से 100 शिकार करता हूं। क्या मतलब साहब? अबे गधे, ये खून अब तेरे सर हो गया। अब तू चाहेगा भी तो ये राज किसी पर अफशा ना कर सकेगा, और अगर कहेगा तो फांसी का फंदा तेरे गले में होगा। ले जा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। कमीने, शराबी, शराब पी के पड़ता था। चल, चल। जी हाँ, अब मैंने आपकी सीट रिजर्व कर दी बैंक के पास। थैंक यू। नमस्ते मालिक, तशरीफ रखिए। क्या बात, आप परेशान नजर आ रहे हैं। अरे शाम गजब हो गया, कम्मू कत्ल हो गई और मेरा कुमार खामखा इस झमेले में फंस गया। उसके भागने ने इस मामले को और भी नाजुक बना दिया। भगवान के लिए उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। जी हुकुम मालिक। मैंने तो आपसे पहले कहा था, लेकिन आपने मेरी मदद की। यहाँ की हवा में शराब की तासीर, कुमार बेचारा तो खामखा उस लड़की के चक्कर में फंस गया। प्यारे, तुम भी उसको जाकर ढूंढो, मैं भी आता हूँ। हाँ पहले आओ, चलो। मम्मी मुझे वापस ले चलो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैं तुझे ले तो चलूं बेटा, पर ये लड़कियाँ, इनमें से किस किस का मुंह बंद करूंगी? वहाँ लोग बाग उंगलियां उठाएंगी तो किस किस को जवाब दूंगी? ये जो इतना बड़ा कलंक तुमने अपने माथे पे ले लिया है, एक तुम्हारे पिता के चले जाने पे मैंने कैसे काटा ये पहाड़ सा जीवन, किस किस की बातें ना सुनी। अब तुझे भी कोई मेरे दरवाजे से ना उठाएगा, ब्याह ना करेगा तेरे साथ, तो मैं क्या करूंगी? माँ, शाम एक नेक लड़का है, मुझे यकीन है तेरे इतना करने पे भी वो तुझसे शादी करना मान लेगा। तुम जो भी चाहो मम्मी, जो भी करो। इससे कुछ ना कहिए आंटी जी, इस उम्र में भूल हो ही जाती है। यही तो तुम्हारी शराफत है बेटा, जो तुम ऐसा सोचते हो। मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकलो तो इसके हाथ पीले करके कल ही किसी पंडित को बुलाओ और चुपके से 2 फेरे ले लो। कल? आंटी जी कल तो मुझे दिल्ली जाना है, एक बहुत बड़ी बिजनेस की डील करनी है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। आप लोगों को मैं मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं कल सवेरे आता हूँ किसी प्रवत को लेकर। अच्छा तो जाते जी तरफ बेटा। शाम को नीना से शादी करने जा रहा है, उसे रोको, जैसे भी हो नीना को बचा लो। मैं और यहाँ नहीं ठहर सकती। शाम, नीना से शादी? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं अब भी जाता हूँ, शाम पे निगाह रखता हूँ। प्यारे, तुम ग्रैंड होटल जाओ और नीना का ख्याल रखो। अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे शाम के क्लब के बाहर मिल जाना। हाँ? ओके। कुछ समझ में नहीं आता। शाम तो हर बात पैसे के चक्कर में करता है और मीना के पास न पैसा है न जायदाद, फिर वो उससे शादी क्यों कर रहा है? ये शादी का चक्कर अपनी समझ में आता है डैडी, तो अब तक मैं 10-15 शादियां कर चुका होता। क्यों? अरे हाँ, नीना की माँ ने अपना नाम होटल के रजिस्टर में सावित्री मेहरा लिखवाया था। शायद वो बड़े मेहरा साहब की खोई हुई बीवी हो और शाम को उसका पता चल गया हो। हाँ डैडी, हो सकता है। बेटी, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, कुमार का पता बता दो। नीना! मत खोलो दरवाजा मम्मी, मत खोलो। छोड़ दे से, तुम लोग जाओ। अब बताओ, कुमार कहाँ है? यही पूछने के लिए आप मुझे यहाँ उठा लाए। हाँ, मेरा जवाब वही है जो कल था। क्या? मैं, देखो, मैं तुमसे बुरा सलूक नहीं करना चाहता। इससे बुरा सलूक और आप क्या करेंगे? कोई आपकी बेटी को यूं उठा ले आता तो देखते आप पे क्या बीतती। नीना! रुक क्यों गए? मारिए, मारिए ना। लड़की, ये आखिरी मौका देता हूं तुम्हें। अगर अभी न बताया तो जान से मार चुका तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। मालिक, मीना जी। श्याम, किसी भी तरह इस लड़की से कुमार का पता लगाओ। अगर न बताए तो कत्ल करके किसी खाई में फेंक दो। जो हुक्म मालिक। मुझे अफसोस है नीना जी कि आपको ये सब सहना पड़ा। मैं तो आपको अभी अभी होटल में भिजवा देता, लेकिन वहाँ जाना आपके लिए ठीक नहीं। मैं आंटी को यहीं बुलवा लेता हूँ। बैठिए, बैठिए। गुलजारी, तुम ग्रैंड होटल जाओ और वहाँ जाकर श्रीमती सावित्री देवी को यहाँ ले आओ, अभी इसी वक्त। जी जनाब। जी सावित्री जी कौन से कमरे में रहती है? सावित्री जी वो अभी भी बाहर गई है, मैं उन्हीं का आती हूँ। बोलिए, क्या काम है आपको उनसे? श्याम बाबू ने अपने घर पर बुलाया है, नीना जी भी वही है। ठीक है, जब वो वापस आ जाएंगी मैं उन्हें बोल दूंगा। आप जाइए। जी अच्छा। नीना, नीना। क्या है? जल्दी मेरे साथ आओ। क्यों? आओ ना, तुम चलो। मेरी लड़की का पता चल जाए तो मैं एक पल भी ज्यादा रहूं। श्याम कहाँ है? श्याम, श्याम। बाकी सावित्री, तुम कहाँ चली गई थी? सावित्री, मैं तो हार गया था। ये नहीं हो सकता, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी ऐसी लिखी कहाँ? आप आ गए ना, आप मैं जाती। होश में आओ सावित्री, होश में आओ। ऐसा न करो सावित्री, बरसों के बाद किस्मत मुस्काई है, इसे मत रुलाओ सावित्री। सावित्री नहीं जी, ये तो मैं, देखो ना आपके बिछड़े ने मुझे क्या बना दिया। मैं जब खुश होती हूँ ना तब भी रोती हूँ। पगली है ना, अब काहे करूँ ना। अच्छा मेरी अमानत कहाँ है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी, बड़ी हो गई होगी। आपकी अमानत? मेरा उसमें कोई दोष नहीं है जी, मैंने तो सभी तक संभाल के रखा था। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? उसे कोई उठा कर ले गया, मेरी नीना को। नीना? तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी? श्याम! श्याम! नीना! अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे सब कहाँ चले गए? तो आपकी जात मेहरा है? हाँ तो ठहरो, पहले मुझे अपना हिसाब बराबर कर लेने दो। 2 2 4 4 4 420। समझा कि श्याम ने क्यों कुमार को कम्मू के कत्ल में फंसा दिया। हालांकि श्याम कम्मू को जानता है और कुमार तो पिछले कई सालों से यहाँ आया ही नहीं। हाँ मगर इससे उसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वो आपसे शादी करके मेहरा साहब की जायदाद का मालिक बनना चाहता है, क्योंकि आप मेहरा साहब की खुई हुई बेटी है। मेहरा साहब की बेटी? तो कुमार? कुमार उनके दोस्त का बेटा है। बचन सिंह? यस बॉस। शाबाश। थैंक यू सर। तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं होता, इसलिए आज मैं तुम्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। हुक्म करो मालिक। रोजमर्रा की तरह क्लब में भी डांस शुरू होगा और क्लब लोगों से खचाखच भरा होगा। कुमार को मैं क्लब में ऐसी जगह बिठा दूंगा जहाँ वो तुम्हारी गोली की जद में रहे। डांस के खत्म होने के साथ ही झांझ की आवाज सुनाई देगी, वही तुम्हारा सिग्नल। झांझ की आवाज के साथ ही कुमार को गोली का निशाना बना दो। लेकिन साहब घबराने की बात नहीं, इतने आदमियों की मौजूदगी में किसी को ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि गोली किसने चलाई। समझ गए जी? क्या मैं उस वक्त गोली चलाऊंगा जब झांझ की आवाज सुनाई देगी। शाबाश। जाओ यहाँ से, बदतमीज कहीं की। माफ कीजिए कुमार साहब, आपकी जान खतरे में थी, इसलिए मैंने इन लोगों को जबरदस्ती आपको यहाँ लाने के लिए कहा, लेकिन गलती से इन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया। कम्मों के कम का मामला दिन ब दिन टेढ़ा होता जा रहा है। हाँ कुछ ज्यादा है, मेरा ख्याल है मैं इसकी तय तक पहुंच सकता हूँ। आप मेरे साथ आइए, हो सकता है आपके चंद मिनटों की मौजूदगी से ये मसला हल हो जाए। ठीक, आइए। हाजी अरे हाजी बाबा, हाजी 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 अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी 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 अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी बाबा हाजी बाबा। हाजी हाजी अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी 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 अरे हाजी बाबा, हाजी 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 अरे हाजी बाबा, हाजी 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 अरे हाजी बाबा, मेरे सनम से मेरा मिलने का वादा। हाजी 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 अरे हाजी बाबा, हाजी 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 अरे हाजी बाबा, हाजी तुम? श्याम बाबू, पहले आपने मेरे हाथ खून से रंगवाए और अब अपने भी। पकड़ लो इसे, खूनी ये है, घेर लो इन सबको। खबरदार, बाहर न जाने पाए। खबरदार, कोई आ गया, हट जाओ। खबरदार, घेर लो। कुमार, हट जाओ। खबरदार, कोई मत हिलना अपनी जगह से। ठीक है। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब जल्दी से इंटरनेशनल क्लब में पहुंच जाइए। वरना गोली से उड़ा दूंगा। वर्षों के बाद मिली है मुझे मेरी बेटी, मेरी एक ही बेटी। नीना! मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अंदर आने की कोशिश की तो इसे गोली मार दूँ। रुक जाओ श्याम, रुक जाओ। सोचो तो मैंने कहा तुम्हें कीच से उठा और आसमान को उठा। सब जानते हुए तुम्हारी तरफ से आंखें बंद करती। यह मेरी कुर्बानी का यही बदला है। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। मैं भगवान की सौगंध लेता हूँ, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। बेटी, पिताजी, मेरी बेटी, जीते रहो माँ जी। मेरा पिता, मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूँ प्यारे। क्या बात करते हैं मालिक, मैं आपके शुक्रगुजार होने का शुक्रगुजार हूँ। जो तुमने किया है इसके लिए तुम कुछ भी मांगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी शादी करवा दीजिए, नहीं तो होने वाले पोते का दादा मुझे घर से निकाल देगा। हाँ मालिक, मेरी 2 बीघा जमीन 2000 बीघे हो गए, तब तो पोते भी दर्जे में होनी चाहिए। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, हो जाने जा